चल चुकी है और अभी हम भी गए, बच्चा भी पैदा हो गया, आदमी मर भी गया। मदद आप चेटी, ये चेटी चंदे से बना तो मेरे ख्याल से कोई अब भी इसकी गोद में जन्म दे। जाओगे यहाँ तो नहीं है ना कॉलेज? ये काम की बात बोलिए, पैसे नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ केमाड़ी की वो जगह जहाँ पे जो जिस जगह को अंग्रेजों ने बनाया था वो अब तक यहाँ पे मौजूद है। ये देख रहे हैं ये पूरी आबादी बनी हुई है और उसको अब तक किसी ने नहीं छेड़ा। और दूसरी मजे की बात, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं हुआ, ऐसी मजबूती से बनी हुई है ये केमाड़ी के पीछे बैक साइड पर बनी हुई है केमाड़ी पोर्ट के। आपने घोड़े बांधे अंग्रेज बगैर मशीनों के पता नहीं कैसे उस टाइम पर बना के गया। अभी इसके अंदर लोग रह रहे हैं। पहले ट्रेन की पटरी गुजरती है, सामने ये पूरा आबादी है। ये तो रांची सी पोर्ट है, रांची सी पोर्ट का एरिया है। कचरा आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा और यहाँ पे कचरा उठाने का टाइम नहीं होता ना, तो यहाँ लोगों ने गायें और भैंसें पाली हुई है ताकि वो कचरा खा जाए, ऐसा है ना सिकंदर? हाँ। अच्छा, ड्रामों की अक्सर शूटिंग्स हैं जो बहुत पुराने पुराने जो दिखाते हैं ना, तो क्या कहते हैं घर, वो यहीं पे शूटिंग होती है। अभी तो खैर यहाँ पे ये जो सारा रोड है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ईंट्स का बनाया हुआ है, ये अभी रिसेंटली काम हुआ है। देखो छोटे कद का इलाज भी यहाँ पे हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, ये अभी तक वैसी है, ईंट भी नहीं बैक पानी। और अच्छा, ये सारा ना राशि सी फूड है, यहाँ पे जो है शाम से जो है सी फूड शुरू हो जाता है। आप यहीं पे मछली लें और यहीं पे जो है वो फ्राई या जो भी आपका दिल करे बनाने के लिए, यहाँ पे शूटिंग होती है, शूटिंग की जगह है। और शूटिंग हो रही है। हाँ, ये आ गया भाई केमाड़ी पोर्ट मेन। यहाँ से आप शम्स भी जा सकते हैं, बाबा बेट जा सकते हैं, मनोरा जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं देखने। के सामने मस्जिद है, मस्जिद बिलाल के बाबुल इस्लाम है और सामने ही गेट बना हुआ है। यहाँ पे जुल्म लगा हुआ है, ये 100 रुपये पार्किंग ले रहे हैं बाइक की, कह रहे कि सेफ्टी है, चोरी नहीं करे होगी बाइक, मतलब 100 रुपया इतना ज़्यादा। तो हम बाइक वापस लेके जा रहे हैं, यहाँ से कहीं और खड़ी करेंगे। इतनी भी गई यहाँ पे मिलती है केमाड़ी के किनारे पर। सुरमई कितना किलो? 600 का किलो सुरमई। मुश्का कितना किलो? मुश्का 350 रुपये। चार सौ रुपये किलो धंधिया। ये कुंदे, कुंद कितना किलो? ये कितने किलो भजन? 600 रुपये। भाई अभी पोर्ट पर पहुंच गए हैं केमाड़ी के, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा बाबा बेट। तो बाबा बेट एक अलग ही जगह है जो एक पोर्ट क्या कहते हैं आइलैंड बना हुआ है, तो जाके उस आइलैंड को विज़िट करेंगे। वहाँ पे बाइक वगैरह कुछ भी नहीं चलती, सिर्फ कश्ती से आप जा सकते हैं, जाके देखते हैं। अभी स्टैंड पे रश का टाइम है, सवारी मिल गई हमें बाबा बेट की। इस पानी में नहाना नहीं है, केड़ी हरी पूछा था बिट कौन सी जा रही है? बाबा बिट, बाबा बिट, बाबा बाबा पानी पे नहीं जाना, ये पानी थोड़ा काला हो गया क्योंकि
समझता है पाकिस्तान, यहाँ पे ये सब चलता है, ये नॉर्मल है। कश्ती हमारी चल चुकी है और अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बाबे पिट। अच्छा बाबा अलग है, पिट अलग है, यहाँ ये यहाँ पे केमाड़ी पोर्ट दूर चला गया हमसे। बाबे ये है यहाँ पे बाबे आइलैंड, और यहाँ पे हम अभी उतरेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है यहाँ पर। ये बेसिकली एक आइलैंड है। हेलो हरा ध्यान देनी असाई है, अभी जो है डर इस बात पर लग रहा है कि वापसी के लिए हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का, सिर्फ कश्ती ही जा सकती है। अभी कश्ती पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। वही उम्र जहाँ मारू ना उन्हीं के सब रिश्ता खबर असा के छा जी खबर थी ना घूमे ना थे आ गए घूमे ना थे हां ना सामान में थे कश्ती में अच्छा तो ना कश्ती में अच्छे तो कश्ती कोई रास्ता ना है ना 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 कुछ की रास्ता कोई रास्ता ना नहीं कुछ की रास्ता। ऐसे ये कह रहे हैं कि जेटी जो है ना ये जो बनी हुई है ये अपने मदद आपके तहत बनी है, किसी और ने नहीं बनाई है। यहाँ पे भी स्लम्स है, ये गंद देख लो, बड़ी बड़ी लांचें तैयार हो रही हैं यहाँ पे। यह है भावे अच्छा भावे में अपनी मदद आप जेटी, ये जेटी चंदे से बनाई गई है, ये देख रहे हो। अच्छा यहाँ पे चोरी डकैती का खतरा नहीं है क्योंकि वो भागेंगे कहाँ पे, खुशकी का रास्ता ही नहीं है, है तो बस एक ही रास्ता समंदर का रास्ता है, तो यहाँ पे बेफिक्र होकर हम घूम सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। हम लोग ये बताओ कि अगर यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए, खुशकी का रास्ता तो नहीं है, फिर बंदा क्या करे? तो हमारे घरों को बहुत खुशकियाँ पड़ी होती है तो उसको लेके फिर शेर पोछते हो, बस टेंशन नहीं होती है, टेंशन नहीं होता नहीं। अभी तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, इमरजेंसी में हो भी गया, बच्चा भी पैदा हो गया, आदमी मर भी गया, औरत अच्छा। मर भी गया, लेकिन मसला क्या है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह चला रहा है शुक्र चला रहा है, अच्छा सुकून है ना यहाँ पे, सुकून सुकून। अफरा तफरी से डकैती से अफरा से बंशात खली से सबसे हम लोग पाक है, इधर क्लियर है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई क्राइम वगैरह नहीं होता, मुझे पिस्टल वगैरह लूट मारी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रात को तुम इधर सो के बताओ हमारे गांव में और शहर में सो तुम जब भी नींद और पता चल जाए, ये बात कुछ भी कोई खतरा यहाँ पे है ही नहीं है, नहीं। अच्छा ये मज़ार है, आगे जाओ बता रहे हैं, ये मज़ार है भाई, गली में जाओ मज़ार है, उसका भी बहुत वीडियो, ये भी आपको ज़्यादा ये किसकी मज़ार है? इब्राहिम शाह बाबा की है, इब्राहिम शाह बाबा की, अच्छा ये इब्राहिम शाह बाबा की मज़ार है भाई, अंदर बाहर से देख सकते हैं, ये है मज़ार। क्या हाल है आपके? चाहता ये बाबे के बारे में कुछ पता है हिस्ट्री कि बाबे के बारे में हिस्ट्री बताओ कुछ आपको अगर पता हो। ये एक जजीरा है, अच्छा अच्छा, और ये जजीरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, अच्छा। यहाँ पर जो है ना हमारे बड़े कहते थे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, हाँ वो भी जब यहाँ आते थे ना
जी जी। तो अपनी कश्तियाँ इस जजीरे के बाहर रखते थे, कश्तियाँ इस जजीरे से बाहर। हाँ, इधर घर वगैरह नहीं थे ज़्यादा। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ पर जो है ना मीर बहर, मीर सिंधी, सिंधी वो आबाद हुए, वो आबाद हुए। फिर इसके बाद हम लोग जो है ना कच्छी, फिर बाद में, फिर ये पाकिस्तान से बनने पहले के, बनने से पहले की बता रहे हैं आप। फिर वहाँ से हिजरत करके यहाँ कराची आए, कराची में हम लोगों को फिर ये इलाका मिला। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ बैठे और ये इलाका अब देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह भी आबाद हो गया। और किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती यहाँ पे? परेशानी तो अब ये जो पाकिस्तान में है वो तो होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बाकी तो अल्लाह का करम है, जो अल्लाह चला रहा है उसका बड़ा एहसान है। शुक्रिया अंकल। मोबाइल वगैरह का सब कुछ सामान मिल जाएगा, एक यहाँ पे भी शॉप है, यहाँ पे भी शॉप है। स्कूल है, स्कूल भी है यहाँ पे। हाँ, बड़ा स्कूल है। अच्छा, तो सही पढ़ाते हैं वहाँ? सही पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा अच्छा। सीधा सीधा जाएंगे? कॉलेज वगैरह है यहाँ पे? कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है, बस स्कूल तक है। मैट्रिक, मैट्रिक मदरसा भी है, मदरसा भी है। स्कूल कितनी है यहाँ पे वैसे? इधर स्कूल है आपकी दो, दो स्कूल है पूरे बाबे पे। और कितनी आबादी होगी है अंदाजा? कितनी आबादी? 1200 की होगी, 2200 की आबादी होगी, 2200 की आबादी। नहीं तो तूफान उफान अच्छे, वो जो अच्छे तो कुछ तूफान अच्छे तो ना रहते हैं ना, बैठा हुआ कितना रहता है तूफान ऐसा बता रहे तो अच्छे। अच्छा, तूफान अच्छे तो बाहर मुल्क में आज मतलब कोई हो गया, अभी यही बड़ा हो गया बैठे राजीव राम शाह बाबा हो गया। जी 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 जी, शाह बाबा जो है गलियां कुछ इस तरह की बनी हुई है, मतलब बहुत पतली पतली। और आप अभी तक कोई भी बाइक नहीं दिखी मुझे, तो यहाँ पे बाइक है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, पैदल ही चलते हैं। पैदल आओ जाओ, कुछ भी घर से सामान लेना हो, कुछ भी लेना हो, पैदल ही चलना होता है, क्योंकि ना यहाँ पे बाइक है, ना कोई रक्षा, कुछ भी नहीं। तो बात ये कि माशाल्लाह बहुत पुरानी आबादी है, कम से कम नहीं तो 400-500 साल से ये आबाद है। 400-500 साल से आबाद है, आबाद है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से पहले से भी नहीं, बहुत पहले से? पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से कोई अभी इसकी गोद में जन्म लिया है। अच्छा, इतना पुराना है? बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री देखे ना आप? जी जी जी। इसका भाई का था जो बायोडेड है, केपीडी जो हेडक्वार्टर है ना उसके अंदर पड़े हुए सारा। सही सही। तो मुतरमाने यहाँ पर आके हमने जो शरफ अदा किया 350 साल का, 350 साल, हाँ, के 350 साल से ये जो जीरा माशाल्लाह पुरुष में आबाद है, इसको मैं अपनी तरफ से मालकाना हुकूक देती हूँ। सही सही। और इनके अलावा और ही मतलब जो 28 नताइस थे इस इलाके के, वो भी अप्रूवल किया उसने। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर से कोई बंदा यहाँ पे लेना चाहे तो ले सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं लेने देते, जो बरादरी का सुर असल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बरादरी का जो बंदा होगा तो वही रिश्तेदारी होगी या जान पहचान होगी, वही ले सकता है, वो ले सकता है, जाने बंदे को नहीं। अभी भी यही मसला है स्लम्स का, जो मतलब कचरा वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगर इस आइलैंड को अगर हम बाहर मुल्क में कहीं देखें ना, तो ये समझो कि सबसे आइलैंड दुनिया में ना कहीं भी होता है ना, वो बहुत महंगी जगह होती है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, जैसे मॉरिशियस है, जैसे मालदीव है, तो इस तरह के वो छोटे छोटे इसको शेयर बना लेते हैं और उसको बिल्कुल एक नई 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 जदीद तरीके से उसको टेक्नोलॉजी से वो मॉडर्नाइज करके उसको जो है वो रखते हैं, ताकि लोग टूरिस्ट भी आएँ। लेकिन यहाँ पे वो सीज़ नहीं है, तो इस जगह को हम टूरिस्ट पॉइंट भी बना सकते हैं अगर थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया जाए। लेकिन बहुत मुश्किल है जो यहाँ का हाल है। हम दूसरी तरफ आए तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये समंदर का किनारा, ये मतलब कोई भी आपको खुशकी रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कबाड़ी का सामान सारा पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है वो कश्तियाँ लगी हुई हैं। पानी का मसला जो है इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छे से हल किया हुआ है, यहाँ पर आरओ प्लांट दिया हुआ है और पानी तो है यहाँ पे, खारा पानी तो है, समंदर का पानी तो है, उसको मीठा करते हैं अंदर। मशीनें वगैरह सारी आरओ की लगी हुई है इसमें। यह है बच्चों के क्रिकेट का ग्राउंड, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उस तरफ, और ये अपनी मछली की जाल भी यहीं पे बनाते हैं, क्रिकेट की मतलब स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स भी और
काम का काम भी, दोनों यहाँ हो जाता है। ग्राउंड काफी बड़ा है। हाँ भाई, हाँ भाई क्या है, पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, मदरसे पढ़ रहा हूँ। मदरसे पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो? नहीं ना, स्कूल छोड़ दिया। क्यों? स्कूल में हमारे को बहुत दिक्कत होती थी। किस चीज की दिक्कत होती है? यहाँ पे हमारे को पैसे मिलते, मदरसे में पैसे मिलते हैं जी? नहीं मिलते, नहीं मिलते, भी नहीं मिलते, वहाँ भी स्कूल में भी, स्कूल में मिलते हैं, इसलिए स्कूल हमारे बाबे बोल वो माशाल्लाह माशाल्लाह, इफ्स बहुत अच्छी बात है। यहीं पे रहते हो? कभी यहाँ से बाहर गए हो, शेर में, शेर की तरफ गए हो? लाहौर में, कराची में कहाँ जाते हो? कराची में खारादर जाते हो? वहाँ पे रिश्तेदार है? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार है। तो अगर ये आपको आगे पढ़ने का शौक हो तो यहाँ से बाहर जाओगे? जाओगे, यहाँ पे तो नहीं है ना कॉलेज? हाँ, ये काम की बात बोलिए, पैसे नहीं, स्कूल तो है, कॉलेज नहीं है ना? हम जाएंगे कॉलेज, कॉलेज तो हम सबका शौक है, पैसे नहीं है। लेकिन ये तो मदद पढ़ रहा है ना। मेरी वीडियो में अगर कोई देख रहा है तो इन बच्चों की जो है वो बात पूरी करें, यहाँ पे कॉलेज के कोई सेटअप करें, या इनकी जो है अभी हेल्प हो सकती है। ये वाकई पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पे मसले मसाइले हैं पढ़ाई के हवाले से। कितने स्कूल हैं यहाँ पे टोटल? एक ही है, या 10 स्कूल है? अच्छा, क्लास 10 है, स्कूल एक है, मैट्रिक तक है? दूसरी मैट्रिक, पढ़ाई सही करते हो? जो लोफर बन जाते हैं, पढ़ के फिर लोफर बन जाते हैं। मतलब 10 के बाद क्या करेंगे वो लोग? इधर मच्छी पे चले जाएंगे। मच्छी पे काम कोई नौकरी तो मिलती नहीं। बच्चा थोड़ा सा फंड, सामने थाना भी बना हुआ है, थाना नहीं है, चौकी है, जैक्सन थाने की चौकी है। अगर कोई छोटा मोटा इशू हो जाए तो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होता, आपसी कोई झगड़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन क्राइम वगैरह यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। गलियाँ देखें किस तरह से बनी हुई है, मतलब कि यहाँ से वैसे रास्ता जा रहा है, ये देखो बिल्कुल पतली गली है, फिर और फिर यहाँ से वैसे ये दरवाज़ा पुराने ज़माने का लगा हुआ है। ये देखें, अच्छा आप इलाका, ये बहुत छोटा है, अभी थोड़ी देर में मतलब पूरा इलाका हम घूम लेंगे। सिकंदर कह रहे हैं हम लोग खो गए हैं, वैसे ये पूरी है बुलबुल है। एक गली देखो यहाँ भी जा रही है, एक ये पतली सी गली जा रही है। सिकंदर घूम तो नहीं गए हम? तो नहीं, ये छोटी दुनिया है, गोल दुनिया है, तो बस सीधा रास्ता जहाँ मिल रहा है वहीं चल रहे हैं, पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं, पहुँच जाएंगे। हाँ ये है, छोटा एरिया है बिल्कुल, एक आइलैंड की तरह। यहाँ पे सारे जो लोग हैं ना वो उस तरह से अपने रोजी रोटी भी कमाते हैं, शहर से सामान लाते हैं छोटा मोटा और यहाँ आके बेच देते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है ना वो छोटे मोटे क्या कहते हैं शॉप्स वगैरह बनी हुई, टक शॉप वगैरह, और थोड़ी छोटी मोटी ग्रोसरी आइटम्स की दुकान खुली हुई, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पे जो है वो आबादी भी कम है और लेके आना बहुत मुश्किल है, तो मार्केट कोई ऐसी प्रॉपर मार्केट नहीं है। आपको जो भी लाना है वो आप शहर से लाएंगे जाके कश्ती में बैठ के और फिर यहाँ पे करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस इलाके को छोड़ते नहीं है, इस इलाके से इनका कोई अपनापन है, दिल लगी है इनकी। गैस के और के इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर गैस यहाँ पर आती है और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आती है, और बाकी जो लोड शेडिंग वगैरह है वो तो आपको पता है पूरे कराची के। नेट डाला था, नेट इंटरनेट, इंटरनेट इतना है, इंटरनेट ले तो थे, केबल वालों, केबल वालों इंटरनेट, केबल टीवी ले तो सब थे। हाँ कटे भाव नाव नाव अच्छा मुझे ये बता, उर्दू आती? उर्दू अच्छे डायरेक्ट अफ्रीका। अच्छा ये बताया कच्छी में उदय, ये बताया के
इनमें अगर ऐसे कोई नौजवान के पढ़नो हो जो कॉलेज कॉलेज जले बार ने तो ना मखे को पढ़ाए ना अल्लाह जो कसम है और बार आलियो ना बार अल्लाह ताले मरा बेटी तो मके चोक डा पर मतलब उते शहर में आज पढ़ाई ना मके बड़ी उम्र के अन्ना था जी उम्र है यार खोटा बाबा आइलैंड में सिकंदर उठो है सिकंदर उनके पढ़ायो सही डायरेक्ट अफ्रीका हलाई रो यूरोप हलाई रो हमने लस्सी बनवाई है भाई से और शेर में आपको सब देंगे 50 रुपए का एक गिलास है बाबा बनाओ यार बनाओ अपना चैनल है जी जी इंटरनेट ले जाते ना ले, 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 थैंक यू बॉस सुलेमानी चाय भी मिलती है मज़ेदार लस्सी है यार बड़ा ही अलग अलग ही टेस्ट है एक तो खरा दर की दही और ऊपर से इनका प्यार इसमें ज़बरदस्त लस्सी नहीं जूस भी है अंकल इसको थोड़ा हिला दो तुसी जूस को मैंगो जूस है भाई ये अंकल बेच रहे हैं यहाँ पे तो सब चीज़ मिल जाती है बेसिकली ये अपनी एक दुनिया है यहाँ पे ये अपनी दुनिया में रहते हैं ना कोई मोटरसाइकिल का शोर ना रक्षा का शोर ना कोई धुआं ऐसा है अंकल ऐसा ही है हाँ सुकून वाली ज़िंदगी कोई शोर शराब अभी हम आगे गए था यहाँ पे फिर भी थोड़ा लोगों की बातों का शोर है वहाँ आगे तो बिल्कुल सन्नाटा आपको कांधे पे रुमाल नहीं मिलेगा और गला ऐसा खुला हुआ नहीं मिलेगा है ना नॉर्मल तबीयत के लोग हैं यहाँ ओके सब ओके और यहाँ पे लोगों ने किसी ने कोई बदतमीजी भी नहीं किया कोई कुछ नहीं बड़ी इज्जत दे रहे हैं आगे ये एक अच्छी बात है ये बाहर से आए हुए लोगों को अभी आप देखें छोटे से जदीदे पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ आती है अपने रोजी करती है ना क्यों हम तासब नहीं करते किसी से अपना समझते हैं ये पहले लाचों में पठान भाई हमारे चौकीदार होते थे सिर्फ और सिर्फ चौकीदार होते थे अच्छा अभी हमारे साथ शरीक हैं अच्छा ना पंजाबी भाई हमारे साथ शरीक हैं और दूसरी कम्युनिटी भी हमारे साथ बलोच तो हमारे अपने हैं है ना राज के लयारी को जो बलोच रहने वाले वो हमारे अपने हैं अच्छा अच्छा मार्केट वगैरह हॉस्पिटल वगैरह नहीं है ना नहीं एक हॉस्पिटल है लेकिन खस्ता हाल ही में कोई उसका गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट की भी है और एक मतलब एंडस वालों ने बनाई है तो फिर उसकी टाइमिंग पे वो चलती है एंडस की और इंटरनेट वगैरह केबल वगैरह है यहाँ पे केबल है लेकिन चलता नहीं है चलता नहीं अभी बिजली होगी तो फिर मतलब के नेट नहीं आएगा वो चलेगा नहीं मोबाइल का नेट चलता है और नहीं वो भी मतलब के वो बंद होता है सर बिल्कुल ब्लॉक होता है तो अच्छा है ना सुकून से ये टेंशन नहीं मोबाइल वगैरह मतलब की जरूरत पड़ती है किसी से मिलना जुलना हो बात करना हो कोई पैगाम पहुँचाना हो तो मुश्किल हो जाती है ना उसके लिए ये बात चलो शुक्रिया अंकल बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा ये तो बताओ ये कितने बजे तक चलती है कश्ती यहाँ पे 24 घंटा 24 घंटा ऐसा रात को भी
भाई ये तो भाई बता रहे 24 घंटा कश्ती चलती है ये, तो फिर मसला ही नहीं है।